नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है एच डी वी नीरज सर। कल मैंने दोस्तों बताया था कि भारत की स्थिति और उसका विस्तार, उसका दूसरा वीडियो था। आज उससे संबंधित कुछ जो पॉइंट फैक्ट बच गए हैं उनको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। जो इससे पॉइंट बचे हैं उनको आज हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का जो है सातवां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, ठीक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में जो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या जो निवास करती है वो है 17.5%। यूपी में भारत की जो जनसंख्या निवास करती है उसका परसेंटेज है 16.50। उत्तर से दक्षिण तक जो है लंबाई कितनी है, देखो ये हमारा उत्तर है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो हमारी लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है, और छोटा जिला केरल का माहे। ये कल हम बताए थे कि केरल है, ये माहे जिला है। ये जो माहे जिला है वो पुडुचेरी के अंतर्गत आएगा, पुडुचेरी के अंतर्गत आएगा। चार जिले 3 राज्यों में थे, कल मैंने बताया, ठीक। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ, छोटा जिला केरल, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, ये हमारा सिक्किम है, और बड़ा यूपी, सबको पता है, ठीक। नेक्स्ट, एक चीज और, अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार मैंने पढ़ाया। देखो, पूर्वी बिंदु, जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी बिंदु को हम कहते हैं किवथु, बहुत इंपॉर्टेंट है किवथु, और पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, मैं भी बताऊंगा कहां पे है। देखो, ये जो हमारा इधर लक्षद्वीप है, इधर हमारा अंडमान निकोबार है, ये हमारा है ऊपर का अंडमान और दक्षिण वाला निकोबार। जो निकोबार है द्वीप, अंडमान और निकोबार, अंडमान के दक्षिण में एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये भारत की मुख्य भूपृष्ठ का जो दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक, उससे दक्षिण में स्थित है, उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये हमारी मुख्य भूपृष्ठ है, इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, मुख्य भूपृष्ठ का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इस दक्षिण से, ठीक है, खिसक के ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इससे दक्षिण में स्थित है। ओके, ये इतना जो था ये बचा हुआ था, इससे ज्यादा नहीं है। और आप लोग को एक चीज और बता दे, पड़ोसी देश का मैंने बताया था कि राजस्थान से कौन से सटे हैं, जम्मू कश्मीर से कौन से जो है राज्य सटे हैं, ठीक है, या फिर जो हमारा ये पाकिस्तान से कौन से राज्य सटे हैं, ठीक, अफगानिस्तान से कौन से राज्य सटे हैं, चाइना से कौन से सटे हैं, म्यांमार से कौन से सटे हैं, बांग्लादेश से कौन से सटे हैं, भूटान से कौन से सटे हैं, और नेपाल से कौन से राज्य सटे हैं,
इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई एग्जाम है। यूपी में तो इसका सिलेबस है पूरा, यही पड़ोसी राज्य, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए ज्योग्राफी का, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये इतना बचा था। अब जो है इसका कोई भी बिंदु, कोई भी तथ्य छूटा हुआ नहीं है। आगे मैं आऊँगा तीसरा वीडियो लेके, मतलब लेसन 2। ओके, तो आप कमेंट जरूर करिए कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।